दोस्तों, बीते कुछ समय से हमारी टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों का हाल इनके टीवी सीरियल की कहानी जैसा हो रखा है। सीरियल में जैसे कलाकार अपने किरदारों में जेल जाते रहते थे, वहीं अब रियल लाइफ में कलाकार जेल जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ये रिश्ता क्या कहलाता है में सीधे साधे नैतिक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता करण मेहरा को उनकी पत्नी के साथ मारपीट के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, तो वहीं अब अभिनेता पल्लवी पुरी भी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में जेल की हवा खाकर वापस आए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जेल जाना टीवी इंडस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पल्लवी पुरी या फिर करण मेहरा ही जेल नहीं गए टीवी इंडस्ट्री से, बल्कि उनसे पहले भी टीवी इंडस्ट्री के कई ऐसे सितारे हैं जो कई बार जेल के दर्शन कर चुके हैं। इसी के चलते आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं सितारों से रूबरू करवाएंगे जो जेल जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो सितारे। नंबर वन, एजाज खान। जी हां, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अभिनेता एजाज खान का, जो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। जहां कुछ समय पहले ही इन्होंने तबरेज अंसारी की मृत्यु पर बनाए गए टीम 07 के टिकटॉक वीडियो का समर्थन करते हुए एक वीडियो बनाया, जिसमें इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग की मिमिक्री की और मुंबई पुलिस का अपमान किया। साथ ही एक धर्म विशेष का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा था कि अगर अब कोई शख्स आतंकवादी बनता है तो उसे कुछ न कहा जाए, जिसके बाद इन्हें धार्मिक भावना भड़काने वाला वीडियो बनाने और उन वीडियो के माध्यम से सामाजिक द्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, पर कुछ समय बाद इन्हें 1 लाख की जमानत पर रिहा कर दिया गया। नंबर टू, राहुल राज सिंह। टीवी अभिनेता राहुल राज सिंह भी उन्हीं सितारों में से एक हैं जो जेल की हवा खा कर आ चुके हैं। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनका अफेयर अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी के साथ रहा, जहां प्रत्युषा बैनर्जी के सुसाइड करने के बाद इन पर इल्जाम लगाए गए कि इन्होंने उन्हें धोखा दिया था, उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया था, जिसके बारे में खुद उनके फ्रेंड ने पुलिस को बताया था। पुलिस ने इस बयान को सुनकर ही इन्हें इस मामले में जेल में बंद किया था, पर जब इन्हें दोषी नहीं पाया गया तो इन्हें बरी कर दिया गया। नंबर थ्री, मोनिका बेदी। सरस्वती चंद्र में गुमान की भूमिका निभाकर एक घरेलू नाम बनने वाली अदाकारा मोनिका बेदी भी हमारे इस लिस्ट में है। बता दें, ये अदाकारा सिर्फ टीवी शोज में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपना जादू बिखेर चुकी हैं, जिसके चलते ये काफी ज्यादा सफल हैं। पर इसके बावजूद ये भी एक बार जेल की हवा खा चुकी हैं। दरअसल मोनिका बेदी का अफेयर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ रहा, जिसके चलते इन्हें पुर्तगाल में उनके साथ गैर कानूनी काम में पकड़ा गया, पर बाद में ये अपने हिस्से की सजा काट कर वापस भारत आ गयी और अपनी जिंदगी की दोबारा से शुरुआत की। नंबर फोर, कपिल शर्मा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी जेल के चक्कर लगा चुके हैं। दरअसल मामला ये है कि अपने मुंबई के गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण करा रहे थे, जिसका पता बीएमसी को लग गया। उन्होंने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसके चलते ये काफी समय पहले आए दिन जेल के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। आपको बता दें, इनके खिलाफ महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के सेक्शन 53(7) के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 1 से 3 साल तक की जेल और 2,000 से 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर फाइव, देवोलीना भट्टाचार्य। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू की संस्कारी भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य भी एक मर्डर केस में जेल के दर्शन कर चुकी हैं। जी हां, कुछ समय पहले इन पर डायमंड मर्चेंट राजेश्वर किशोरी लाल के मर्डर केस में हाथ शामिल होने का आरोप लगाया गया। इसी वजह से इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां इन्हें कई दिनों तक हिरासत में रखा गया, पर जब इन्हें केस में दोषी नहीं पाया गया तो इन्हें जल्दी बरी कर दिया गया। नंबर सिक्स, सिद्धार्थ शुक्ला। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जो बिग बॉस जैसे शो को जीत कर साबित कर चुके हैं कि ये दर्शकों के कितने ज्यादा पसंदीदा हैं। पर इसके बावजूद टीवी पर दर्शकों का दिल जीतने वाले सिद्धार्थ असल जिंदगी में जेल की हवा खा चुके हैं। बता दें, साल 2018 में इनकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें काफी लोगों को चोटें आई। इसी के चलते इन्हें रैश ड्राइविंग के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कई दिनों तक जेल में भी रहे, पर जल्द ही ये इस इल्जाम से बरी हो गए। तो दोस्तों, आपको इनमें से किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।